हेलो एवरीवन, आज हम एक टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। इसमें भी हम स्पेसिफिक देखेंगे दैट इज़ हॉर्मोन्स इन ह्यूमंस के बारे में, कि कौन से हॉर्मोन्स ह्यूमंस में होते हैं, कहाँ से निकलते हैं, कहाँ पे काम करते हैं, उनका क्या काम होता है, अगर वो नहीं हो तो क्या उनमें डिफेक्ट आएगा, और ज़्यादा भी निकल जाए तो क्या डिफेक्ट आएगा। ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज़ के ना होने से भी दिक्कत होता है और किसी चीज़ के ज़्यादा होने से भी दिक्कत होता है। तो सेम चीज़ है, ये फिनोमिनन ह्यूमन बॉडी में होता है। ठीक है, तो कौन से हॉर्मोन्स होते हैं वो सब देखेंगे। मेनली हम देखने वाले एंडोक्राइन हॉर्मोन्स के बारे में। ठीक है, दो तरह के हॉर्मोन्स निकलते हैं ह्यूमन बॉडी में, दैट इज एंडोक्राइन हॉर्मोन्स निकलते हैं और एक्सोक्राइन हॉर्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, सारे को डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हॉर्मोन्स कौन से होते हैं। एक ह्यूमन बॉडी का डायग्राम मैं यहाँ पे बनाता हूँ। देखिए, डायग्राम थोड़ा खराब होगा तो उसके हिसाब से थोड़ा देख लीजिएगा, बाकी मैं बना देता हूँ। क्या है यहाँ पे, मैं मोस्टली क्या है यहाँ पे, हमारा क्या है, ब्रेन का पार्ट है, समझिए। तो ब्रेन के पार्ट पे दो तरीके के ग्लैंड्स होते हैं, दैट इज एक होता है हाइपोथैलेमस और एक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बीच में यहाँ पे कहीं पे पीनियल ग्लैंड भी होता है। तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे होता है गले के पास में थायराइड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे होते हैं किडनीज। समझा, यहाँ पे मैंने बना दिया किडनीज, किडनीज होते हैं। किडनीज के ऊपर क्या होता है, ये होते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। किडनी के बाद इधर साइड में होता है क्या होता है, पैंक्रियाज होता है। कुछ ऐसा हमने पैंक्रियाज बना दिया। ठीक है, डायग्राम के लिए थोड़ा सा सॉरी है। और उसके बाद क्या करेंगे हम, दैट इज उसके नीचे क्या जाता है, दैट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वाले हॉर्मोन्स हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, हमने ओवरीज जैसा कुछ स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, यहाँ पे ओवरीज, ठीक है, और मेल टेस्टिस। ठीक है, ये सारे क्या है, हॉर्मोन्स सेक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं, या फिर बोल सकते हैं ऑर्गन्स हैं। समझा, ये सारे के सारे क्या निकलते हैं, हॉर्मोन्स निकलते हैं। मेनली कौन से निकालते हैं, एंडोक्राइन हॉर्मोन्स निकालते हैं। अब मैंने बताया एंडोक्राइन हॉर्मोन्स होते हैं, एक्सोक्राइन हॉर्मोन्स होते हैं, इसमें फ़र्क क्या होता है। देखिए, एक्सोक्राइन हॉर्मोन्स वो हॉर्मोन्स होते हैं ना जिनका क्या होता है, डक्ट के थ्रू, समझा, हॉर्मोन्स ग्लैंड से कहीं से निकले, एक ऑर्गन से निकले और डक्ट के थ्रू क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ब्लड में जा रहे हैं। समझा, डक्ट के थ्रू एक पाइप हो रहा है जो उसको कनेक्ट कर रहा है। लेकिन एंडोक्राइन के ग्लैंड्स में क्या हो रहा है ना, डायरेक्टली क्या ऑर्गन्स में बन रहा है, दैट इज ग्लैंड्स में बन रहा है और डायरेक्टली ब्लड में चला जा रहा है। कोई कनेक्टिंग डक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, डायरेक्ट क्या नहीं रहा, प्रोडक्ट बन रहा है और उसको डायरेक्ट ब्लड में सप्लाई कर दिया जाए। समझा, ये होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स सेक्रेटिंग हॉर्मोन्स होते हैं, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो हॉर्मोन सेक्रेट करते हैं। समझा, तो सबसे पहले देखते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस को हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितने भी ये सब, जितने भी मैंने ये डायग्राम जैसा कुछ बनाया है ना, सारे के सारे को ग्लैंड्स का जो सेक्रीशन होगा वो रिलीज निकालने का जो डायरेक्शन देता है, समझ में आया, जो मतलब ऑर्डर देता है कि ये चीज़ें रिसेक्रीट करो, ये चीज़ें सेक्रीट करो, ये सारा का सारा डायरेक्शन कौन देता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड देता है। समझ में आया, कौन से हॉर्मोन्स निकालने का सेक्रीशन देगा, दैट इज GHRH, दैट इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, दैट इज गोनोडोट्रॉपिंग रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, फिर क्या होता है, TRH, दैट इज थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। क्या करता है, ये सारे के सारे हॉर्मोन्स निकलते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, केमिकल सिग्नल्स होते हैं जो हाइपोथैलेमस से निकलते हैं। तो ये हाइपोथैलेमस से निकल के जाते हैं कहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ जाते हैं, यहाँ पे हाइपोथैलेमस से जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ठीक है, हाइपोथैलेमस से कहाँ जाएंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है ना, जैसे हाइपोथैलेमस को मैंने बोल दिया मास्टर ग्लैंड इज, एज अगर ह्यूमन बॉडी को अगर चलो मान लेते हैं कि स्कूल मान लेते हैं, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या रहेगा, हेड मास्टर रहेगा। तो हेड मास्टर जाके सब चीज़ काम थोड़ी करता रहता, वो बस डायरेक्शन करता है। तो हेड मास्टर अगर हाइपोथैलेमस को मान लिया जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, तुम प्रिंसिपल मतलब वाइस प्रिंसिपल बोल सकते हो। ये सारे क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये सब डायरेक्शन निकले थे, GHRH, GnRH, TRH, ये सब निकाल दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये GHRH को कर देगा GH, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्या हो जाएगा, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा। फिर GnRH क्या करेगा, ये दो चीज निकालेगा, LH और FSH, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर ये TRH निकालेगा TSH, समझ में, दैट इज क्या होता है,
ये सब हार्मोन्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, ठीक है। ये सब हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसके बाद क्या होता है, ऑब्वियसली बात है, टीएसएचजीएच जाएगा तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा। ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, हाइट को बढ़ाएगा, बॉडी के ग्रोथ को बढ़ाएगा, समझ में। ऑब्वियसली बात है, कुछ बच्चों की हाइट छोटी रह जाती है, कुछ बच्चे एकदम बड़े सा रहते हैं, ऑब्वियसली बात है, अगर उनमें ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होगा तो क्या होगा, वो उनकी हाइट छोटी रह जाएगी, ड्रॉफिज्म कई बार बोल देते हैं उसको। कई बच्चों में ग्रोथ हार्मोन का निकलना बंद ही नहीं होता, हाइट बढ़ी ही जा रही है, बढ़ी ही जा रही है, समझ में। तो वो चीज़ें होती है, वो ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है, समझ में। तो इसके होने ना होने दोनों चीज़ों से प्रॉब्लम होता है। ये टीएसएच, टीएसएच क्या होता है भाई, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ पे हमारे गले के पास क्या होता है, यहाँ पे जो एडम्स एप्पल दिख रहा है, इसके पीछे होता है थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड से दो तरीके के हार्मोन निकलते हैं, दैट इज T3 एंड T4, समझ में। T3 T4 मेनली हम यहाँ पे थायराइड, ये सब ग्लैंड निकलते हैं। ये करते क्या है, ये एक्चुअली क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, ह्यूमन बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। मेटाबॉलिज्म समझते हो तुम लोग, मेटाबॉलिज्म क्या होता है ना, कि कितना तुम खाना खा रहे हो, ठीक है, वो बॉडी में कैसे मेटाबोलाइज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है। कई कई लोग होता है ना, वो फिटनेस और जिम फ्रीक, फिटनेस फ्रीक, वो क्या बोलते हैं, हल्का सा भी एक वेफर का कुछ खाते नहीं है, कुछ बाहर का नहीं खाते, क्यों, हल्का सा भी खाते हैं उनका क्या होता है, बॉडी में जाके स्टोर होने लगता है, उसको बोलते हैं लो मेटाबॉलिज्म वाले लोग को होता है ना, हल्का सा भी कुछ खाना खाए, एक कटोरी चावल भी खाए, उनका वजन बढ़ जाता है। और हाई मेटाबॉलिज्म वाले को क्या, पूरे दिन खाते रहते हैं, पूरे दिन खाते रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, पतले के पतले रह जाते हैं। समझ में, ये होता है मेटाबॉलिज्म, तुम कितना खा रहे हो और उसका एनर्जी में यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, समझ में आ रहा है, कितना आप खा पा रहे हो, कितना यूटिलाइजेशन एनर्जी में हो रहा है, ये कौन से कंट्रोल कर रहा है, दैट इज टीएसएच, समझ में। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑब्वियसली बात है, ये इसको स्टिमुलेट करता है, ये थायराइड के ग्लैंड्स को निकालता है, ऑब्वियसली बात है, अगर ये कम निकलेगा तो इसको बोल देंगे हम हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर ये ज़्यादा निकलता है तो इसको बोलते हैं हम हाइपर थायरॉयडिज्म, समझ में। ये चीज़ें कंट्रोल कर जाती है, कैसे कंट्रोल होता है, इसके लिए पता है, इसके फॉर्मेशन के लिए ना आयोडीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसीलिए बोला जाता है नमक खाए, वो करते हैं ना नमक में आयोडाइज नमक, ठीक है, आयोडीन काफ़ी ज़रूरी होता है, समझ में। ये एक हो गया, उसके बाद देखते हैं दैट इज ए किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर ये ऐसा दिख रहा है, ये क्या है, ये एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड से मेनली क्या निकलते हैं, दैट इज कॉर्टिसोल्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, अलग अलग निकलते हैं, लेकिन मेनली यहाँ पे हम कौन सी चीज़ों के बारे में डील करेंगे, एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले चीज़ के बारे में, एड्रिनल, एड्रिनलिन, ठीक है, एड्रिनलिन, इनका कभी नाम सुना है, एड्रिनलिन को बोलते हैं फाइट और फ्लाइट हॉर्मोन्स, ठीक है, और लेमेन लैंग्वेज में पता है, सुपर ह्यूमन हॉर्मोन भी इसको बोल दिया जाता है, ठीक है। फाइट एंड फ्लाइट हॉर्मोन क्यों बोलते हैं, ऑब्वियसली बात है, ये हॉर्मोन्स क्या करता है, तुम्हारे जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी होता है ना, इसको कई बार क्या करता है, बढ़ा देता है। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं मानूँ कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मेरे बाजू में यहाँ पे शेर आ गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, क्या होगा, अचानक से बॉडी में क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस होंगे, एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन निकलेगा, पूरे बॉडी में चल जाएगा, क्या होगा, हार्ट का रेट बढ़ा देगा, थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ा देगा, अचानक से बॉडी में एकदम सिग्नल दौड़ेगा कि ये भी करना क्या है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर यहाँ पे शेर आ गया है और तुमने कभी भी अगर कुछ किया है, अगर फिजिकल विजिकल अगर एक्टिविटी तुम्हारा टाइप अगर ऐसा कुछ है, तो ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे बॉडी निकलेगा, फाइट और फ्लाइट मूवमेंट, या तो उस शेर को मार के ख़त्म कर देना है या भाग जाना है। अगर तुम्हारे मार के ख़त्म करना है, अगर ऐसा तुम्हारे बॉडी ने डिसाइड कर दिया कि बॉडी टू फाइट, ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड क्या करेगा, तुम्हारे मसल की कैपेसिटी ऐसा बढ़ा देगा कि वो शेर तो फिर बचना है नहीं, या फिर अगर तुम यहाँ पे खड़े हो और तुमने अगर 200 मीटर पे अगर शेर देख लिया, तो फिर तो ये तुम्हारे पैरों में इतनी ज़्यादा ताकत डाल देगा कि तुम हुसैन बोल्ट से भी तेज भाग लोगे। ये क्या करता है, ये नॉर्मल जो कैपेसिटी होता है ना एड्रेनलिन, जैसे ही बॉडी में एड्रेनलिन रश होता है, इसको बोलते हैं एड्रेनलिन रश, जब जब निकलता है, बहुत कम समय के लिए निकलता है, लेकिन जब जब निकलता है, तब क्या करता है, पूरी जो नॉर्मल कैपेसिटी होती है, फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी, उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट कर देता है, समझ आता है, ये यहाँ से निकलता है। फिर ये बने पैंक्रियास, ये ऐसा सी जैसा बना है, या पैंक्रियास से क्या निकलेंगे, दो तरीके के ग्लैंड्स, दो तरीके के हॉर्मोन्स निकलते हैं, एक होता है इंसुलिन, एक होता है ग्लूकागॉन। ऑब्वियसली बात है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन के बारे में कई बार तुमने सुना ही होगा, लेमेन मतलब बहुत जगह पे। इंसुलिन क्या होता है, ऑब्वियसली बात है, तुम्हारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, ऑब्वियसली बात है, तुम्हारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, तुमने बहुत ज़्यादा खाना खाया, ग्लूकोज बढ़ गया, ऑब्वियसली बात है, उस ग्लूकोज को ब्लड में ऐसे रहने नहीं दे सकता ना, नहीं तो डायबिटीज़ हो जाएगा, डायबिटीज मलेटिस वाली कंडीशन होती है अगर ब्लड में ग्लूकोज अगर रहेगा, समझ में आया। तो ऑब्वियसली बात है, इंसुलिन क्या करता है, जैसे ही तुमने खाना खाया वैसे ही बॉडी में क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन क्या करता है, सारे के सारे ब्लड ग्लूकोज को क्या करता है, यूटिलाइज करता है, स्टोर करता है, धीरे धीरे एक काम करता है, समझ आया, ब्लड के अंदर ऐसा स्टोर नहीं होने दिया जाता, समझ। इससे क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर
मेंटेन रहता है, एक मतलब डिजायरेबल लेवल पे क्या करता है, मेंटेन रहता है। अब ग्लूकागन क्या करेगा, ऑब्वियसली बात है, कुछ लोग उपवास करते हैं, कुछ लोग खाना नहीं खाते हैं, तो क्या करेंगे, ग्लूकोज का लेवल एकदम धड़क से नीचे जाता है। वो फिल्मों में देखा है ना, वह सीरियल वीरियल में, जैसे ही मतलब धड़क से बेहोश हो जाता है। वो होता क्यों है, बेहोश होने का कारण क्या है, ऑब्वियसली बात है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है बॉडी में, ऐसा सब होता है। तो ऑब्वियसली बात है, उस कंडीशन में क्या करेगा, ग्लूकागन काम करेगा। ये क्या कर रहा, इंसुलिन क्या कर रहा था, ब्लड ग्लूकोज अगर बढ़ा हुआ था तो उसको कम कर रहा था, लेकिन ग्लूकागन क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर ब्लड में अगर कम है तो उसको क्या करेगा, बढ़ाने का काम करेगा। समझा, बॉडी में अलग अलग जगह पे हम क्या करते हैं, ग्लाइकोजन स्टोर रहता है, फैट स्टोर रहता है, उसमें से क्या करेगा, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन, ग्लूकोज का अपटेक करेगा, उसका रीअब्सॉर्प्शन करेगा, ब्लड में क्या करेगा, ग्लूकोज को लेवल जो है बढ़ा देगा। ये काम करेगा पैंक्रियास से निकलने वाले दो हॉर्मोन्स, दैट इज इंसुलिन, इंसुलिन और ग्लूकागन, ये दोनों क्या होते हैं, एंडोक्राइन हॉर्मोन्स है और क्या, ठीक है। इसके लेवल के नीचे जाएंगे तो उसके बाद क्या होता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है, दैट इज एक फीमेल में और एक मेल में। समझ में, ये है मेल और ये है फीमेल। तो फीमेल में देखने मिलते हैं ओवरीज और ये मेल में देखने मिलते हैं टेस्टिस, ठीक है। ओवरीज से क्या निकलते हैं, ओवरीज से हॉर्मोन्स निकलते हैं, दैट इज ईस्ट्रोजन, ठीक है, और निकलते हैं प्रोजेस्ट्रॉन, और मेल बॉडी से, दैट इज ए टेस्टिस से निकलते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये हॉर्मोन्स का काम क्या होता है, ये मेनली हॉर्मोन्स एक्ट करना चालू करते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। जैसे जैसे तुम प्यूबर्टी अचीव करते रहते हो वैसे वैसे ये निकलते रहते हो। तो ईस्ट्रोजन क्या करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट कराता है अलग अलग बॉडी में, ठीक है। मेल में जैसे होता है ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ाएगा। जैसे मेल में होता है, छोटे बच्चों में देखोगे, दैट इज मेल और फीमेल में क्या होता है, ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन होता नहीं है, ठीक है। चेहरा भी सेम सेम है, बॉडी भी सेम सेम है, लेकिन क्या होता है, जैसे प्यूबर्टी अटेंड करते हो तुम, क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का निकलना चालू होता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट करता है, ये एडम्स एप्पल ये क्या बढ़ाता है। फिर हार्शनेस ऑफ वॉइस आती है, कहाँ वॉइस एकदम लो पिच की मीठी होती है, अब कड़क हो जाती है, समझ में। उसके बाद क्या होता है, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर होता है, मसल्स का डेवलपमेंट होता है, समझ में। ये सब चीज़ें कौन कराता है, टेस्टोस्टेरोन कराता है। उसके बाद ये सेम चीज़ ईस्ट्रोजन में, ईस्ट्रोजन में क्या कराएगा, ऑब्वियसली बात है, इनका जो वॉइस होता है वो थोड़ा हाई पिच वाला बनता है, समझ में। उनमें क्या होता है, जो सर के हेयर मतलब सर के ऊपर जो हेयर होता है उसका ग्रोथ क्या कि रैपिडली बढ़ता है। फिर एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट होता है, ठीक है, मैच्योरेशन मतलब डेवलपमेंट होता है, फुल मेच्योरिटी अटेंड करता है। उसमें क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड का मैच्योरेशन होता है, ठीक है। फिर और भी चीज़ें कराता है, दैट इज हिपेरिया में फैट का डिपोजिशन, ठीक है। ये सब चीज़ें कौन कराएगा, ईस्ट्रोजन कराएगा, समझा। तो ये सब चीज़ें निकल कहाँ से रही है, अलग अलग ग्लैंड से निकल रही हैं, लेकिन तुम अगर ध्यान दो तो सारे चीज़ें निकलना कहाँ से स्टार्ट कर रही हैं, ये चीज़ यहाँ पे हाइपोथैलेमस से, समझ में। हाइपोथैलेमस ही बता रहा है कि ये चीज़ निकालो, ये चीज़ निकालो, ये चीज़ निकालो, बॉडी में ये चीज़ की कमी है, समझ में। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब एंडोक्राइन हॉर्मोन्स होते हैं, ये सारे के सारे ह्यूमन बॉडी में निकलता है। ऑब्वियसली बात है, अगर इनमें इनका अगर डिफिशियंसी हुआ तो ऑब्वियसली बात है तुमको दिक्कत होगा ना। अगर हाइपोथैलेमस ही खत्म हो जाए तो क्या होगा, सारे के सारे ग्लैंड्स को पता ही नहीं चलेगा भाई कि मेरे को निकालना क्या है, मेरे को काम क्या करना है। पिट्यूटरी ग्लैंड अगर टीएसएच नहीं निकाला तो ये थायराइड काम नहीं करेगा, थायराइड काम नहीं करेगा तो तुमको क्या होगा, T3 T4 हार्मोन निकलेगा, तुम मोटे होते जाओगे, फूलते होते जाओगे, समझ में। सेम टू सेम ये है, इंसुलिन निकलना बंद हो जाए, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी तुमको, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, ये मेल टेस्टोस्टेरोन अगर तुम्हें ना निकले तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने चाहिए था, समझ में, मेल के वो चीज़ नहीं होंगे, सेम टू सेम फीमेल वाले में ऐसा होगा, समझ में। ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स देखने मिलती हैं। आज का टॉपिक में हम इसको देखते हैं, छोटा सा ब्रीफ में हमने देख लिया है कि क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या नहीं होती है। उसके बाद में कभी अगर टाइम मिला तो डिटेल में भी देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।